दिखाया अपना दम तो 65 रन से मैच जीता। क्या है 65-65 के बीच संबंध, आइए मैं आपको इस पूरे वीडियो में दिखाते और बताते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ ही ये जो बगल में बेल आइकन का घंटा है इसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज में दूसरा T20 मुकाबला रविवार 20 नवंबर को खेला गया। यह मैच भारतीय दृष्टिकोण से बेहद आक्रमण खेला गया। टीम के धुआंधार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से रनों का बरसात कर दिया और जड़ दिया शतक। उन्होंने अपने पारी में 7 गगनचुंबी छक्के और 11 चौके लगाकर उन्होंने 51 गेंद में 111 रन बनाकर नवाद लौटे। भारत का टोटल स्कोर 191 रन 20 ओवर में हो गया और न्यूजीलैंड के सामने 192 रनों का टारगेट दिया। जवाब में न्यूजीलैंड के बैटिंग करने आए ओपनरों कुछ अच्छा खासा नहीं कर पाए। भारतीय गेंदबाजों ने उन पर कहर ढा दिया और टीम न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज था उसको धराशाही करते हुए 126 रन पर ही ढेर कर दिया भारतीय गेंदबाजों ने और यह मुकाबला भारत ने 26 रनों से जीत लिया। और इस जीत में सूर्य कुमार यादव का अहम भूमिका रहा और यादव परिवार को 65 भी कहा जाता है, जिसके चलते 65 दिखाया अपना दम तो यह मुकाबला 65 रनों से जीता का कहा मतलब कहा का संबंध जो है वो कहा गया है और कहा जा रहा है।